नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट ट्राई। आज की वीडियो में मैंने ट्राई किया है हांडवो बनाना, जो कि गुजरात की बहुत ही फेमस एंड टेस्टी स्नैक होती है। तो जल्दी से स्टार्ट करते और देखते हैं ये कैसे बनती है। तो यहाँ पे मैंने एक कप राइस लिया था, हाफ कप चने की दाल, 1/4 कप तुअर की दाल एंड 2-3 स्पून उड़द की दाल। हमें इसे अच्छे से वॉश करके एंड हमें इसे 3-4 पानी में सूख करके रखना है। नाउ हांडवा बनाने का इंस्पिरेशन आज इसलिए आया ना कि अहमदाबाद में क्या होता था कि वी यूज़ टू हैव अ हांडवा वाला अंकल परिमल गार्डन के सामने, जो कि बहुत ही टेस्टी हांडवा बनाते एंड उनका हांडवा यूजली हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता था एंड इट्स वो सुपर टेस्टी। तो मुझे वही याद आ रहा था तो मैंने सोचा अब वो तो नहीं खा सकते तो क्यों ना मैं घर पे ट्राई करती हूँ। तो दैट्स व्हाई आज हांडवा बन रहा है। एंड यहाँ हमारी दाल अच्छे से सोक हो चुकी है एंड वी नीड टू ब्लेंड इट एंड मेक अ स्मूथ पेस्ट ऑफ इट। तो हमें उसके लिए 4-5 स्पून यहाँ पे दही ऐड करनी है एंड देन वी नीड टू ग्राइंड इट। ये हमने बहुत स्मूथ पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे इसकी कंसिस्टेंसी भी आ गई है। सारा जो मिक्सचर था हमारा पेस्ट, हमने उसे एक कंटेनर में निकाल लिया है क्योंकि अभी हमें उसे बाकी की चीज़ें भी ऐड करनी है। तो देखिए इसमें मैंने एक कटोरी ग्रेटेड लौकी ऐड की है, यानी कि बॉटल गॉर्ड। अच्छे से मैंने इसे ग्रेट कर लिया और मैंने उसमें ऐड किया। यहाँ मैंने एक छोटा टमाटर और 3-4 ग्रीन चिलीज भी ऐड की है एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 स्पून एंड उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है हल्दी पाउडर एंड रेड चिली पाउडर। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप ऐड करिए, क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी ऐड करी है। देन 1 टीस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर ऐड किया और एज़ पर टेस्ट सॉल्ट ऐड किया और मैंने थोड़ा सा इसमें जीरा भी ऐड कर दिया है साथ ही साथ। हमें बहुत अच्छे से इसे मस्त अच्छे से फेंट लेना है। वी नीड टू मिक्स इट सो स्मूथली। बहुत अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी भी हो चुकी है। देखिए नाउ इसमें मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की हुई है एंड इट्स डन। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें एक पैन लेना है और उसमें ऑयल हीट करने रख देना है। उसके बाद हमें वापस आना है अपने मिक्सचर के पास। उसमें हमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना है, जस्ट 1/4 टीस्पून एंड वी नीड टू एक्टिवेट इट। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल यूज़ किया इंस्टेड ऑफ वाटर एंड मैंने इसे बहुत अच्छे से फेंट लिया है। यहाँ पे हमारा पैन भी गर्म हो चुका है, आई मीन ऑयल भी गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी राई ऐड की है एंड उसे अच्छे से क्रैकल होने देना है और उसके बाद मैंने यहाँ पे करी लीव्स जो होती है वो भी ऐड करती है एंड थोड़ी सी मैंने इसमें सेसमे सीड्स यानी कि जो तिल होता है वो भी मैंने इसमें थोड़ा ऐड कर दिया है। हमें थोड़ा सा इन्हें स्टीर होने देना है अच्छे से ऑयल में। बहुत से क्रैकल हो गए हैं देखिए गाइस। मैं अपने बाकी वीडियोस की लिंक आपको ऊपर दे दूंगी, तो मेक श्योर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड मेरा चैनल नया है तो मुझे हेल्प करिए ग्रो करने में, ताकि मैं अपने हॉस्टल के एक्सपीरियंस और अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और यहाँ पर मैंने जो हमारा पेस्ट रेडी था वो ऐड कर दिया है। बिल्कुल इस तरीके से हमें ऐड करना है अच्छे से। हमें थोड़ा सा पैन को ऐसे टैप करना है, उसके बाद स्पून की हेल्प से उन्हें फ्लैट कर देना है। एंड वी नीड टू कवर इट, लिड्स ने हमें क्लोज करके एटलीस्ट 15-20 मिनट्स इसे कुक होने देना है। उसके बाद देखिए इसके जो ऊपर वाली लेयर है वो अच्छे से कड़क हो चुकी है। तो उसमें हम अगेन सेसमे सीड्स डाल रहे हैं और थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं और इन्हें मिक्स कर रहे हैं सो दैट जो सेसमे सीड्स है उसमें अच्छे से चिपकी रहे हैं। एंड नाउ वी नीड टू फ्लिप इट वेरी केयरफुली। देखिए बहुत आसानी से वैसे ये फ्लिप हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। इतना प्यारा गोल्डन ब्राउन इसमें कलर आया है, बहुत ही सुंदर। एंड
हमें अगेन इसे कवर करके रखना है एंड अगेन हमें इसे 10 टू 12 मिनट्स तक कुक होने देना है। ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। यू कैन डू अ नाइफ टेस्ट और टूथपिक टेस्ट विद इट एंड इट्स रेडी टू सर्व। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं एंड कट कर लेते हैं। गाइज यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल एंड फेसबुक का जो पेज है मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करूँगी। तो मेक श्योर आप मेरे पेज को लाइक करें एंड साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड इसे हमने कट कर लिया है एंड देखिए कितना फ्लफी बना है, ऊपर से बहुत ही क्रंची बना है एंड अंदर से बहुत ही स्मूथ बना है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लग रहा है। ये देखिए कितने अच्छे से फूल चुका है एंड हियर इट इज़। सो ऑल माय नॉन गुजराती फ्रेंड्स जिनको गुजराती ये डिश बहुत पसंद है, डोंट वरी, गो एंड मेक इट बाय योर ओन। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है एंड इट्स सुपर टेस्टी। सो सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।